बीफ खाता हूँ क्योंकि वो मीठा होता है और सॉफ्ट होता है, ये वेदों में लिखा है। स्वामी विवेकानंद जी खुद कहते हैं, आपको आश्चर्य होगा कि पुराणों के अनुसार वही सही सच्चा हिंदू है जो बीफ खाता है या जो बीफ ज्यादा खाता है। और इसका रेफरेंस देता हूँ, इसका रेफरेंस है द कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 3 पेज नंबर 536। उसके बाद मनुस्मृति चैप्टर 5 सेक्शन 30 में क्या लिखा हूँ, मैं बीफ खाना पाप नहीं है। क्यों पाप नहीं है? क्योंकि बीफ बनाने वाला और बीफ खाने वाला दोनों को ही ब्रह्मा ने बनाया है जी। ये मनुस्मृति में लिखा है। पुराणों में और वेदों में जब इसके रेफरेंसेस आते हैं, इसका मतलब आज वही लोग गोमांस का विरोध कर रहे हैं जो पहले गोमांस खाते थे। कह रहे हैं गली में ये लोग गोमांस का विरोध कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी को परमिशन तो यही लोग दे रहे हैं। भारत में जो बीफ एक्सपोर्ट करने वाली जो सबसे बड़ी कंपनी है उसका नाम क्या होगा? अल कबीर एक्सपोर्ट। अब हमारे जो अब अल कबीर एक्सपोर्ट नाम अगर हमारे कोई गांव का आदमी सुना तो हम क्या बोलते हैं? अरे ये तो मुसलमान को होगा। अब इसमें और आइडिया बताता हूं मैं, अल कबीर एक्सपोर्ट का मालिक कौन है? मिस्टर सतीश सबरवाल। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्नाटका में एंटी काउ स्लॉटर बिल जब से पास हुआ है, इससे पहले के इस चीज़ पर चीज़ें गर्माती उससे पहले ही राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है और कई सारे लोगों के मन में कई सारे सवालात हैं कि कौन सी राजनीतिक दल इसके बारे में क्या सोचता है और इससे लोगों को कितना फ़ायदा होने वाला है या कितना नुकसान होने वाला है। तो आज हमारे पास इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं JDS के तालुका स्पोक पर्सन जनाब आकाश खंडाले साहब। मैं इनका हार्डली वेलकम करता हूँ आज के सेशन में। तो आकाश खंडाले साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आप जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि JDS, आप पार्टी का पक्ष साफ करें कि JDS इस बिल के बारे में क्या कुछ सोचती है। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को मैं आभार मानता हूँ। और लोकतंत्र की यही खासियत होती है कि जब तक आप विपक्ष की बाजू ना सुने तब तक आपको सत्य जो है वो डिसाइड करने का कोई अधिकार नहीं होता है जी। बिल्कुल। इसके लिए मैं सबसे पहले आपके बातों पर आता हूँ कि जो एंटी काउ स्लॉटर बिल भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कर्नाटक असेंबली लाया, उसका हम पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं जी। अब उसके कारण क्या है वो प्रेजेंट बताने से पहले ये जो गो हत्या है, उस गो हत्या को थोड़ा सा एक इतिहास में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश था। सिंधु संस्कृति से हम देखते हैं कि गाय जो है किसानों को सबसे प्रमुख एक पशु है जी। लेकिन आपको मैं बात बताना चाहता हूँ, जो विदेशी आर्य जो भारत में आए थे, आने के बाद ऐसे बहुत सारे ग्रंथों में लिखा है कि यज्ञों में गायों की बलि दी जाती थी। अब मैं बात हवा में नहीं कह रहा हूँ, इसके मैं आपको एविडेंस देता हूँ। इसका एविडेंस क्या है? शतपथ ब्राह्मण 3.1221 जो ये संदर्भ है, इसमें क्या लिखा है कि मैं बीफ खाता हूँ क्योंकि वो मीठा होता है और सॉफ्ट होता है, ये वेदों में लिखा है जी। उसके बाद मनुस्मृति चैप्टर 5 सेक्शन 30 में क्या लिखा हूँ, मैं बीफ खाना पाप नहीं है। क्यों पाप नहीं है? क्योंकि बीफ बनाने वाला और बीफ खाने वाला दोनों को ही ब्रह्मा ने बनाया है जी, ये मनुस्मृति में लिखा है। और तीसरी सबसे मैं आपको आश्चर्यकारक बात बताता हूँ, आप सबने स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना होगा जी। बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद जी खुद कहते हैं, आपको आश्चर्य होगा कि पुराणों के अनुसार वही सही सच्चा हिंदू है जो बीफ खाता है या जो बीफ ज्यादा खाता है। और इसका रेफरेंस देता हूं, इसका रेफरेंस है द कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 3 पेज नंबर 536। अब आप इस बात को गौर कर सकते हैं, पुराणों में और वेदों में जब इसके रेफरेंसेस आते हैं, इसका मतलब आज वही लोग गोमांस का विरोध कर रहे हैं जो पहले गोमांस खाते थे जी। अब गोमांस हमारे लोग तो नहीं खाते थे, अब मैं ये हमारे लोग जो बात कर रहा हूँ इसका संदर्भ में देता हूँ। भारत में प्राचीन काल में एक संघर्ष था। संघर्ष कैसा था? कृषि संस्कृति विरुद्ध ऋषि संस्कृति, जो हम की हमारी कृषि संस्कृति थी और जो आर्य बाहर से आए थे उनकी ऋषि संस्कृति थी, उनका जो वैचारिक संघर्ष था उस संघर्ष के परिणति हमारे कृषि संस्कृति के लोग कभी भी गोमांस खाते नहीं थे। तो गोमांस कौन खाते थे? ये ऋषि परंपरा वाले लोग खाते थे। अब जो ये बाहर से आए हुए लोग थे वो लोगों को ये तक पता नहीं था कि ये जो गाय है उनसे दूध मिलता है। बहुत सारे एविडेंस ऐसे मिलते हैं कि गायों को कैसे खाना, तो उनको पूरा मुंह पैक करके उसको अगर हम जोर से अगर मारे समझो तो उसके बाद उसका जो मांस है वो मीठा लगता है, ऐसे बहुत सारे वर्णन इतिहास में देखते हैं।
तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं ये कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक बात का मैं एविडेंस रख के बात कर रहा हूँ। और ये जो लोग थे विदेशी लोग, आर्य लोग थे, ये लोग प्राचीन काल में गोमांस खाते थे। अब आपको मैं और एक बात बताता हूँ, आज जो लोग गोमांस के लिए माइनॉरिटी लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आज जो लोग गोमांस के लिए मुसलमान लोगों को जिम्मेदार ठहर रहे हैं, यही लोग जब महावीर जैन और भगवान बुद्ध का समय था, महावीर जैन और भगवान बुद्ध ने क्या कहा है, अहिंसा का मार्ग अपनाया है, गोमांस या गोहत्या को या किसी भी तरह की पशु हत्या को उन्होंने पाप कहा है, इसका मतलब क्या होता है, उस समय कोई तो था जो गोहत्या करता था, उस समय कोई तो था पशु हत्या करता था। अब उस समय तो मुसलमान नहीं थे, भगवान बुद्ध और महावीर जैन के समय में तो मुसलमान भारत में नहीं थे, तो उस समय कौन था, उससे और आगे की बात बताता हूँ। विश्वगुरु बसवण्णा की कर्मभूमि में हम बैठे हैं, बसवण्णा की कर्मभूमि में बसवण्णा भी क्या करते, क्या कहते हैं, क्या दया यही धर्म का मूल है, सभी प्राणी मात्र पे दया करना, ये बसवण्णा जी ने हम कहा है। बसवण्णा के जो शरण है वो भी पूरा तरह से शाकृत है, इसका मतलब बसवण्णा जी का भी उस समय संघर्ष जो है इन वैदिक विचारधारा के लोगों से था। इसका मतलब क्या, इतिहास में ये सब लोगों ने गो हत्या और गो मांस का समर्थन ही किया है। जी अब आते हैं आज के टाइम पे गो हत्या और गो मांस का ये जो इशू है जो भारतीय जनता पार्टी ने जो लाया है। आपको मैं बात बोलता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो इसके पीछे का जो है, मैं नहीं मानता कि सामाजिक एजेंडा है। क्यों नहीं मानता सामाजिक एजेंडा, इसके पीछे राजकीय ध्रुवीकरण का उद्देश्य है। जी। अब ध्रुवीकरण का उद्देश्य कैसे है, आप देखो आज मुसलमानों के ऊपर क्या ये ब्लेम करते लोग, ये लोग गोमांस खाते हैं, गोमांस खाने वाले हैं, ये लोग मांस भक्षक खाने वाले हैं, ये लोग हमारे पशु को मारने वाले हैं। अब बदमाशी कितनी, आपको प्रूफ में के साथ में बताता हूँ। भारत जब से 2014 जब इनकी देशप्रेमी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की देशप्रेमी सरकार, जब इन लोगों की देशप्रेमी सरकार भारत में आई, तब भारत टॉप 4 से निकलकर टॉप 2 में आ गई है बीफ एक्सपोर्ट करने में, टॉप 3 में। जी बीफ एक्सपोर्ट मतलब ये लोग क्या कह रहे हैं, गली में ये लोग गोमांस के विरोध कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी को परमिशन तो यही लोग दे रहे हैं। अब इसके ऊपर और एक बदमाशी आपको बताता हूँ, भारत में जो बीफ एक्सपोर्ट करने वाली जो सबसे बड़ी कंपनी है उसका नाम क्या होगा, अल कबीर एक्सपोर्ट। अब हमारे जो अब अल कबीर एक्सपोर्ट नाम अगर हमारे कोई गांव का आदमी सुना तो हम क्या बोलते हैं, अरे ये तो मुसलमान को होगा। अब इसमें और आइडिया बताता हूँ मैं, अल कबीर एक्सपोर्ट का मालक कौन है, मिस्टर सतीश सबरवाल, ये तो नॉन मुस्लिम है। अब भारत में बीफ एक्सपोर्ट करो, दूसरी नंबर की कौन सी कंपनी है आपको बात बताता हूँ, इसका नाम है अरेबियन एक्सपोर्ट। अब जब अरेबियन एक्सपोर्ट हम नाम सुनते हैं हमको क्या लगता है, अरे ये तो मुसलमानों की कंपनी होंगी, लेकिन इसका भी मालिक कौन है, मिस्टर सुनील कपूर। तीसरी नंबर की कंपनी कौन सी है, MKR फ्रोजन फूड, इसके भी मालिक नॉन मुस्लिम है। और चौथी नंबर कंपनी है PML इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, इसके भी जो मालिक है वो भी नॉन मुस्लिम है। तो इसका मतलब क्या, आप लोगों को सिर्फ राजनीति करने के लिए आपको सिर्फ एक इशू चाहिए था आपको। जब अब देखिए भारतीय जनता पार्टी का जब से सरकार आया है, आप जब जब ये लोग रोजगार देने में फेल होते हैं, विकास करने में फेल होते हैं, ये लोग सामाजिक शांतता करने शांतता जब रहती है, अब जब सामाजिक शांतता रहने के बाद जब विकास होने लगता है या कोई दूसरी चीजें, जब ये खुद किसी काम में अगर फेल होते हैं उसको हाइड कैसा करना, इसके लिए क्या करते, ऐसे बिल लाते हैं, जिस बिल से क्या होना, लोग GDP भूल जाना, लोग बेरोजगारी भूल जाना, लोग नौकरियां भूल जाना, या लोग बाकी जो डेवलपमेंट की चीजें है, हेल्थ और एजुकेशन है, वो भूल जाना, सिर्फ क्या करना, ये सेपरेशन की पॉलिसी में चर्चा करके लोगों को गुमराह करने के लिए ये बिल लाया है, ऐसा मैं सोचता हूँ। नहीं सकते जी, खरीद नहीं सकते, और अगर कुछ ऐसा किया तो 7 साल की सजा है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं 7 साल की सजा, और उसके बाद परमिशन ऐसे है कि अगर देखिए हम अगर तहसील कार्यालय में गए हमको एक परमिशन लेने के लिए पूरा एक दिन रुकना पड़ता है, हम पढ़े लिखे होके भी। अगर किसान को अगर गाय बेचना लेना खरीदना है उनको परमिशन के लिए 15 दिन लगे तो वो कैसे करना जी। अब भारतीय जनता की ड्यूअल पॉलिसी देखिए आप, मैं क्या कहता हूँ आपको, सभी पशु हत्या के ऊपर आपको कानून लाना चाहिए, गाय के कर रहे हैं आपको बैल के ऊपर कानून लाना चाहिए, आपको अदर जो पशु है सब पशु हत्या के ऊपर करना चाहिए आपको, क्योंकि हमारी संस्कृति तो क्या है पूरी तरीके से इनको खंडित करते हैं। लेकिन इनको क्या करना है, एक बात को हमेशा से इनको एक एजेंडा सेट रहता है कोई भी काम, क्योंकि इसमें क्या है सेपरेशन एजेंडा है, एजेंडा
एक अगर कानून लाए तो इससे क्या होना, हिंदू मुस्लिम सेपरेशन से हमारे लोगों को दिमाग में बिठाना, और ये अभी से नहीं हुआ, बहुत सालों से मीडिया द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा और इनके जो विचारधारा है, हर वक्त इनको क्या है सिस्टमेटिक तरीके से लोगों के दिमाग में डाल के ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि गौमांस खाने वाले ये पर्टिकुलर ये तबके के लोग हैं, इनको क्या है मारना ही चाहिए, यही हत्यारे हैं, ऐसा करके ही अकलाक का और गुजरात में जो ऊना का कांड हुआ इसके लिए जिम्मेदार यही विचारधारा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी, अभी आपने दो पॉइंट्स क्लियर करिए। जिस तरह से आपने कहा कि अगर दया करनी है तो तमाम जितने भी पशु हैं उन पर एक समान दया की जाए, इसमें काउ को ही, गाय को ही क्यों लाया जा रहा है? तो आपने पहले तो जो स्पिरिचुअल बिलीफ की जहां तक बात आती है वो आपने प्राणों के जरिए से प्रूफ दे करके आपने बात की, और दूसरा जो आपने पॉइंट रखा वो आपने ये रखा कि बीफ जो है वो नेशनल लेवल पर सबसे ज़्यादा उसका बिजनेस करने वाले खुद हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। तो हम जब बसवा कल्याण के जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं कृष्णा गोने, जब हम उनके पास हमने ये सवाल रखा था कि स्टेट लेवल पर ही ये चीज़ें क्यों की जा रही हैं जबकि नेशनल लेवल पर तो ये सब हो रहा है, तो उन्होंने कहा था कि ये अभी छोटे स्तर पर हुआ है और धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान से ये सारा जो रिवाज है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, इन बड़ी बड़ी कंपनियों पर रोकथाम लगा दी जाएगी, उनका ऐसा कहना है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे मित्र कृष्णा गोने बीजेपी से है, उन्होंने पक्ष रखा जी, अच्छी बात है, उनको करना चाहिए काम। अब मैं हमारे पार्टी के पक्ष और मुझे जितना समझता है आपको बात बोलता हूँ, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल बात में बहुत फर्क होता है जी। आप थ्योरेटिकली बोल सकते हैं, आप कानून ला सकते हैं, इंप्लीमेंट नहीं कर सकते जी। आपको दो उदाहरण देता हूँ, गोवा में बीजेपी सरकार है, गोवा में बीफ बैन क्यों नहीं? आप और नीचे जाते हैं, केरला का बीजेपी का एक एमएलए कैंडिडेट क्या बोलता है कि मैं अगर चुन के आया तो मैं क्या करूंगा, आपको बीफ खाने के लिए और आपको क्या है उत्साहना दूंगा और आपको बीफ ज्यादा में प्रोवाइड करूंगा, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई नहीं हुई हा? तो ये जो लोग, मैं हमेशा क्या कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कहती कुछ और है करती कुछ और है जी। ये भारतीय जनता पार्टी की हमेशा पॉलिसी है, नोट बैन किया, नोट बैन करने के बाद लाटिया हम गरीब लोगों ने खाया, लाटिया सामान्य लोगों ने खाया, साहूकार और अमीर लोग क्या किए, पीछे के दरवाजे जाके बैंक कहे नोट कहे चेंज करके आए, ये हर एक लोग जानते हैं। तो नोटबंदी का उद्देश्य क्या था, नोटबंदी का इसका उद्देश्य फेल हो गया, क्या बोलते थे आतंकवाद रुकेगा, ये रुकेगा, वो रुकेगा, जब रिपोर्ट आई 99.9% नोट RBI ने कहा कि वापस आ गए, तो फिर इसका उद्देश्य क्या था बनाने का जी। तो मेरे कहने का उद्देश्य क्या है, भारतीय जनता पार्टी बोलती एक है करती एक है, इनके चाल चरण और चरित्र में बहुत फर्क है, ऐसा नहीं मानता जी। चलिए मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। जिस तरह से हमने कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली में हाल ही में जो कल झड़प हुई कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान में, वो उसका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ और काफ़ी शर्मनाक हरकत उसको लोगों ने बताया है, तो उसमें जब बीजेपी ने अपना पक्ष साफ किया तो उन्होंने कहा कि JDS हमारे साथ है और ये सारा किया गया कांग्रेस का है, तो इसमें जो लोगों में जो एक मैसेज गया है वो साफ साफ लोग यही समझ रहे हैं कि JDS अब बीजेपी का समर्थन कर रही है, तो ये बात को आप कहाँ तक इस बात को सही ठहराते हैं या क्या कुछ इसकी सफाई में आप कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको मैं बात बोलना चाहता हूँ, जनता दल सेक्युलर जो पार्टी है एक स्वतंत्र पार्टी है जी, हम कांग्रेस से उतने ही दूर हैं जितने दूर हम बीजेपी से हैं जी, हम दोनों से राजनीतिक जितना दूरी रखना है उतना रखे हैं। अब दूसरी बात क्या है, कांग्रेस के कुछ लोगों को ऐसा भ्रम है कि जनता दल सेक्युलर उनके क्या नौकर है, उनको भ्रम है कि हम जैसे बोले जनता दल सेक्युलर बैठना, हम उठ बोले तो उठना, ये जो इनके माइंड जो दिमाग में मानसिक गुलामगिरी है वो छोड़ना चाहिए जी। क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि ये दोनों पार्टी भले ही आपस में झगड़ा करते हो, इनका जो आप अब से नहीं आज़ादी से देखिए जो जो पॉलिसीज कांग्रेस ने लाई है उसको कंटिन्यू बीजेपी ने ही किया है, मैं उसके प्रूफ के साथ बोल सकता हूँ। इसके लिए हमको ना बीजेपी चाहिए ना कांग्रेस चाहिए हाँ, अब मैं हमको क्या है राजनीतिक संख्या बल के अनुसार जो कैलकुलेशन था वो करने वाले हाईकमांड है समझो जी। तो इन्हें ये कांग्रेस क्या है हमको कंसिडर करके ना चलिए, हमारी खुद की पार्टी है, हमारे नेतागण हैं, वो विचार कर सकते हैं, पार्टी बढ़ाने के लिए उनको क्या करना उनको पता है, वो बात कर सकते हैं, हम क्या कांग्रेस के क्या है सेवक नहीं है या क्या है बीजेपी के मालक नहीं है, हमारी खुद की पार्टी है, खुद की विचारधारा है, खुद काम कर सकते हैं। और रही बात सेकुलरिज्म की, मैं आपको बात बोलता हूँ कांग्रेस से कब, मैं आज आपको एविडेंस का प्रूव कर सकता हूं लेकिन आज नहीं करूंगा, मैं कांग्रेस से 10 गुना ज्यादा सेकुलर हम हैं, ये मैं आपको प्रूव कर सकता हूं,
इसके लिए कांग्रेस के लोग ना बोले कि हम क्या है क्या नहीं, इसके बारे में हमारे नेता भी जो है वो भी क्या है डिटेल उनका विस्तार दे चुके हैं समझो। अब आपको और एक बात बोलता हूँ, लास्ट बात आपको बोलता हूँ, जो कांग्रेस आज हमको बोल रही है कि कृषि बिल के टाइम में एक कायदा था भूस्खलन कायदा, जेडीएस ने बीजेपी को सपोर्ट किया, लेकिन बदमाशी देखिए खुद कांग्रेस के 14 विधान परिषद के सदस्य उस दिन एब्सेंट थे, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की कांग्रेस ने? मतलब क्या, आप देखिए क्या रहता है, विरोध को अगर आप विरोध नहीं कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट उसको समर्थन कर रहे हैं। जी जी जी, ये भी होता है। तो कांग्रेस के जो 13 एब्सेंट रहे उस दिन जब सभी विधायक पारित हुआ, तो एब्सेंट रहे, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की आपने? जी तो ये क्या है, इनके क्या है, एक सोची समझी जो है ये आरोप लगाने का इनका सिस्टम है। कभी बोलना ये इनकी बी टीम है, कभी सी टीम है बोलना, और फिर इलेक्शन होने के बाद हमारे पास आना सरकार तुम बनाओ बोल के। तो ये इनका क्या है, पहले से ही ढोंग तरीके का इनका चरित्र है समझो इस प्रांतों में। जी, जिस तरह से अभी आपने आकाश खंडाले साहब की सारे बातें सुनी, उन्होंने जेडीएस का पक्ष साफ किया एंटी काउ स्लॉटर बिल पर, और साथ ही इस चीज़ पर के भी लोगों का जो मानना था इन दिनों बीजेपी और जेडीएस के बीच में रिश्ते बढ़ रहे हैं, इसका भी उन्होंने साफ तौर पर सारी बातें आपके सामने रखी। तो मैं आपसे यही उम्मीद रखूँगा कि जो कई सारे सवालात हैं आपके जहनों में वो दूर हुए होंगे, और मैं आकाश खंडाले साहब का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती लम्हात हमें दिए और हमसे इंटरेक्शन किया। और ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।